हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सब का स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। आज मैं आज थोड़ा ज्यादा ही खुश हूँ और एक्टिव हूँ, क्योंकि मेरी कम से कम मैंने एक दो महीने से बहुत सारे मार्केटिंग्स करके रखी थी, पर आज वो सारे मतलब मेरी ड्रेसेस ब्लाउज और सब कुछ फिटिंग करवा होके आ चुका है। टेलर के पास मेरा पड़ा हुआ था, वहां से आ चुका है। तो अभी मैं वही सब मतलब ट्रायल तो नहीं देख रही थी, पर देख रही थी क्या है, कैसा है, ठीक से हुआ है कि नहीं। तो वो सब ठीक है, फिटिंग हो जाए, कोई कुछ कुछ थोड़ा लूज और टाइट है, वो एक दो में फिर से देख के उसे ठीक करवा। तो आप या मेरी खुशी का राज ना, जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम फेस करती होंगे उन्हीं को समझ में आएगा। नए कपड़े खरीद के रखो, जब पहनोगे तो फिटिंग नहीं आएगा, अगर दर्जी को दो तो वो 15-15, 20-20 दिनों तक ऐसे रख देते हैं, बार बार भैया हुआ कि नहीं, भैया हुआ कि नहीं, या कॉल करके उसने रिमाइंडर करने के बाद वो स्टिच करके देते हैं। तो चलिए मैं देखते हैं आज कितने सारे ड्रेसेस हैं मेरी बिचारे में। ये सब अब तक मैंने ओपन किया नहीं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे, कम से कम 8 से 10 पेयर्स हैं मेरे। चलिए सब कुछ देखते हैं, चलिए आपको खड़ा कर देते हैं। दिखाई दे रहा है आज आपको मेरे फेस से ज्यादा, मुझसे ज्यादा आपको वहां पे नजरें होंगी, मैं जानती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। पहले आते ही मैंने क्या क्या खरीदा है। ये है एक मेरा प्लाजो, ये देखिए कितना कॉटन का है, क्वालिटी बहुत अच्छा है और प्राइस ओनली 250 रुपीज। देखिए ये एक मल्टी कलर है, मैं इसे रेड, ब्लैक, ग्रीन, ऑफ व्हाइट ऐसे बहुत से कलर्स के साथ इसे पहन सकती हूँ। मैं ज्यादातर ड्रेसेस सेट्स नहीं खरीदती, मेरे ज्यादा ड्रेसेस अलग अलग ही होंगे। ऐसे कि कुर्तीज खरीद लिया, प्लाजो सेट कर लूंगी, या प्लाजोस खरीद के रखूंगी, कुर्तीज सेट करूंगी, ऐसे हमेशा मेरा ऐसा ही होता है। ये है लॉन्ग स्कर्ट, ये पूरी तरह लॉन्ग है, देखिए मतलब हम जब पेंसिल हील्स पहनेंगे ना तभी भी ये हमारा चप्पल नहीं दिखेगा, बहुत ये नैरो फिट और बहुत खूबसूरत है। इसका यहाँ पे देखिए ये लाइट बहुत सॉफ्ट और साइलेंट डिजाइन है इसका। जब ये कलर देखा ना हमने ऐसे ले लिया, और इसे भी मैंने अराउंड 500 के अंदर ही लिया, ये दोनों मिलाकर कुछ 600 हुए, कुछ डिस्काउंट वगैरह था। और चलिए मैं आपको अभी थोड़ा मेरी कुर्तीस दिखाती हूँ। सॉरी, तो चलिए आप देखते हैं। ये देखिए मेरा ब्लैक वाला कुर्ता, मेटेरियल जॉर्जेट का है, इस पे गोल्डन कलर के प्रिंट्स लगे हुए हैं, और ये हाथ देखिए फ्लावर वाले हैंड्स, जैसे बंगाली ब्लाउज सिलवाते हैं ना, यहाँ पे टाइट होता है, यहाँ पे भी होता है, ये वैसा ही है। ये मेरी बड़ी माँ ने, वो घूमने गए थे, भुवनेश्वर घूमने गए थे, वहां से ये और ये कॉटन वाली नाइटी लाई है मेरे लिए। ये भी बहुत सॉफ्ट है, फुल पूरी तरह लंबा है, पूरा इंडियन स्टाइल है, नॉर्मल यहाँ पे फ्लावर होके हैंड्स जैसे होते हैं वैसे ही, मतलब ये नाइटीज ना समर्स में वरदान जैसा लगता है पहनने में। ये है एक ड्रेस, देखिए ये मेरा कुर्ता, ये देखिए ये भी थोड़ा इतना लंबा है, ये एक डबल लेयर आता है, लेयर ड्रेस कहते हैं इसे।
ये है ऑरिलिया का है, ये ड्रेस ऑरिलिया का है, यहाँ पे जॉर्जेट, ये जॉर्जेट मटेरियल का है और ये गोल्डन गोल्डन कलर के थोड़े से प्रिंट्स है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसे मैंने पहन रखा है, एक बार मैं पहन चुकी हूँ इसे। जॉर्जेट मटेरियल क्या होता ना, हमें समर हो विंटर हो जब भी पहनने को अच्छा लगता है। ये है, ये थोड़ा वेस्टर्न है, ये मैं जब पहनती हूँ ना ये मेरे नी के ऊपर तक आता है। इसे हम मतलब एक सिंगल ड्रेस की तरह भी पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रंट की तरफ ऐसा डिजाइन है, स्लीवलेस है और यहाँ पे कमर पे ऐसे दो डोरियां हैं। इसे फिटिंग नहीं करवाना पड़ता, बस आप पहन के आपको जितना टाइट चाहिए इसे खींच लो। इसे हम सिंगल ड्रेस की तरह भी पहन सकते हैं पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसे प्लाजो, रेड कलर प्लाजो, जीन्स या लेगिन किसी के साथ भी पहन सकती हूँ। और ये नॉर्मली मेरा एक पटियाला पैंट था, मैंने उसे सेट करके मंगवाया है, ये भी ऑरिलिया का है। इस फैब्रिक को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पर गोल्डन प्रिंट से इसे मतलब मैंने कोई ऐसे इससे ज्यादा पसंद आ गया ऐसे लिया ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा एक पटियाला पैंट था मैंने उसे सेट करके लिया है। इसे देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये कलर मेरे हस्बैंड को पसंद है। और एक ड्रेस दिखाती हूँ, ये है नॉर्मल कुर्ती है, आपको ऐसा लगेगा ये है उसका पैंट, ये है सरारा प्लाजो, ये पूरी तरह सेट था और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसे भी मैंने कल ही पहना था, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मैं बता नहीं सकती। पहनो मतलब ये पूरी तरह ढीला है, कॉटन का है और पहनने से रिच लुक भी आता है। इसे मैंने ओनली 700 रुपीस में खरीदा है और ये सारे जितने सारे ड्रेसेस दिखाए, 1 2 3 4 5 6 सारे ड्रेसेस मैंने मैं मम्मी के यहाँ गई थी एक महीने पहले, कुछ तभी लाए थे, कुछ मम्मी लेकर आई थी, कुछ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तब से टेलर के पास पड़े थे, एक आ रहा था फिर लूज टाइट होता, फिर उसे ठीक करवा के लाती हूँ, ऐसे चल रहा था। और ये दो मैं अपने यहाँ से खरीदा है, मतलब बरमपुर से खरीदा है। तो आप लोगों को ये सब दिखा चुकी हूँ। ये भी है एक कॉटन का प्लाजो, ये कॉटन नहीं, ये कॉटन भी नहीं है, और जो जेंट्स लोग अंदर पहनते ना बनियान, ये वो मटेरियल का भी नहीं, ये वो थोड़ा मिक्स है, मतलब पहनने में इतना कंफर्ट है, ऑसम। तो मैं ये सब के लिए मेरे सारे ड्रेसेस सेट हो चुके हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए थोड़ा स्पीड से दिखा रही हूँ। और ये है मेरी साड़ी, साड़ी भी जॉर्जेट की ही है, ये देखिए साड़ी, देखिए अच्छी लग रही है मेरे पे, अच्छी लग रही है, कलर अच्छा है ना। ये देखिए यहाँ पे सिंपल बॉर्डर है, और देखिए नीचे तक अगर सिंपल बॉर्डर है और थोड़े से स्टोन वर्क है। इसका आंचल भी सेम ही है, बस इसका ब्लाउज ऐसे प्रिंटेड में आया है। मैंने इसे लंबा हाथ करके ब्रॉड नेक करवा के स्टिच करवाया, मुझे वो झुमके वगैरह लगाना अच्छा नहीं लगता। जितना ब्रॉड नेक हो सकता है हैंड्स ऊपर नीचे छोटे करती रहती हूँ, पर वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता।
वो बैक साइड विंडो जैसे डिजाइन्स करवाते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप सबको मेरे मेरा कलेक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है? ये कपड़े मुझे तकरीबन 2-3 महीने तक हो जाएगा, फिर देखते हैं। अगर कुछ नया नया कलेक्शन लाऊंगी तो आप सबको बताऊंगी। और हाँ, मेरी सारी चीजें बजट में होती है। मैं कोई भी चीज ऐसे 10,000, सॉरी मतलब ये सारे ड्रेसेस भी मेरे मिलाकर 4 से 5 हज़ार रुपए होंगे भी नहीं। गर्मी तो आप सबको अगर मेरा कलेक्शन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब कर दो ना यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ना यार। बाय।